good morning students welcome to your science class today we are going to read remaining topics of chapter 10 more about force energy and simple machines in our last video we have learned about force different types of forces and today we are going to read about difficulties caused by friction excess friction can make it difficult to slide a box across the floor हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि अगर एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा difficult हो जाता है कि एक बॉक्स को स्लाइड करना अक्रॉस द फ्लोर राइड अ bicycle और वॉक इन सभी लाइक like, बॉक्स को स्लाइड करना बाइसिकल राइड करना एज वेल एज़ वॉक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर फ्रिक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगा एनी डिवाइस डैट हैज़ मूविंग पार्ट्स कैन वियर आउट रेपिडली ड्यू टू फ्रिक्शन अगर कोई भी डिवाइस है जिसमें जिसके पार्ट्स हैं मूविंग पार्ट्स होते हैं वो वियर आउट हो सकता है कभी भी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन सच एज़ दोल ऑफ आर शूज़ जो हमारे शूज़ का बॉटम होता है डैट इज़ नोन एज सोल पेंसिल्स एंड इरेजर्स तो ये सभी वियर आउट हो सकते हैं नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फ्यू मोर फोर्सेज लाइक इलेक्ट्रोसिटेटिक फोर्स वॉट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स सम ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फोर्स कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं विच कैन एक्ट अपॉन अदर बॉडीज जो अदर बॉडीज पे एक्ट अपॉन होता है एंड मूव दैम और वो उन बॉडीज़ को मूव कर सकता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज द फोर्स डैट कम्स इन टू प्ले ड्यू टू डिफरेंशियल चार्जेस ऑन टू सरफेसिज इन कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वो फोर्स है जो वर्कआउट करना शुरू कर देता है वेन एवर देअर इज डिफरेंशियल चार्जेस जब भी वो डिफरेंशियल चार्ज हो जाता है वैन टू सर्फेसिज कम इन कॉन्टैक्ट जब टू सर्फेस कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं लाइक रब अ प्लास्टिक कॉम ऑन योर हेयर फॉर सम टाइम जैसे कि आप एक प्लास्टिक कॉम आप देख रहे हो उस पिक्चर में उसको थोड़ी देर के लिए अपने हेयर पे रब करो देन ब्रिंग द कॉम नियर स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर और आपको पहले ही बिट्स ऑफ पेपर करके रखने हैं तो आप क्या करोगे इस कॉम को पहले अपने हेयर पे रब करोगे और उसके बाद इन पेपर्स के पास आप ले आओगे अपने कॉम को वॉट डू यू सी आप क्या देखोगे द बिट्स ऑफ पेपर गेट अट्रैक्टेड बाय कॉम एंड फ्लाई टूवर्ड्स इट जो ये बिट्स ऑफ पेपर हैं ये कॉम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके साथ ये स्टिक होना शुरू हो जाएंगे वाई डज दिस हैपन ऐसा क्यों होता है वेन यू रब द कॉम ऑन योर हेयर जब आप अपने कॉम को हेयर पर रब करते हो इट एक्वायर्ज इलेक्ट्रिकल चार्ज तो आपका जो कॉम है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है दिस चार्ज एक्ट एज इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स और ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बन जाता है एंड कॉज इज़ द बिट्स ऑफ पेपर टू मीव मूव टूवर्ड्स द कॉम और जिससे कि जो ये बिट्स ऑफ पेपर हैं ये कॉम की तरफ मूव हो जाते हैं सो so, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रोस्टिटिक फोर्स क्या होता है ये कम इन टू प्ले वेन डिफरेंशियल चार्जेज ऑन टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट जब टू सर्फेस अपने कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और उसके अंदर एक में चार्ज होता है सो यू कैन डो दिस एक्टिविटी ताकि आपको इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स ईजिली आपको क्या हो जाए समझ में आ जाए ओके स्टूडेंट्स ना लेट एस रीड अबाउट मैगनेटिक फोर्स ऑल ऑफ अस है प्लेड विद मैगनेट्स हमने मैगनेट से सभी ने प्ले किया हुआ है बट डू यू नो वॉट कॉजिज द मैगनेट टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयन बट क्या आप जानते हो कि मैगनेट से स्मॉल पीसेज ऑफ आयन किस तरह से अट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ़ मैगनेटिक फोर्स क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होता है द फोर्स विद विच द मैगनेट अट्रैक्ट सर्टन मटीरियल्स ये वो फोर्स है जिससे मैगनेट कुछ एक मटीरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है सच एज़ आयन कोबैल्ट एंड निकल ये सभी हमें सिर्फ आयन के बारे में पता है बट कोबैल्ट और निकल को भी मैगनेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इसे क्या बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स इलास्टिक फोस इलास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इलास्टिसिटी एक अबिलिटी है मटीरियल का कि वो अपने ओरिजिनल शेप में पहुँच जाए आफ्टर बींग स्ट्रैच और कॉम्प्रेस चाहे आप उसे स्ट्रेच करो या कॉम्प्रेस करो आपने देखा हुआ है अपने इलास्टिक देखा हुआ है या नॉर्मल इलास्टिक बैंडस देखे हुए हैं जो गर्ल्स यूज करती है अपने हेयर में अगर आप उसे स्ट्रैच करोगे और उसके बाद उसको छोड़ दोगे तो भी वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा या अगर आप उसको प्रेस करोगे कॉम करोगे एंड जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो भी अपने ओरिजिनल शेप में आएगा अ स्ट्रेच स्प्रिंग और अ रबर बैंड एक स्ट्रेच स्प्रिंग या रबर बैंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप वो अपने ओरिजिनल शेप को दोबारा रिगेन करता है दैट मीन्स ओरिजिनल शेप में आ जाता है एंड साइज शेप और साइज में आ जाता है आफ्टर बींग रिलीज बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स जैसे ही हम उसे रिलीज कर देते हैं क्यों होता है ऐसा बिकॉज ऑफ इलास्टिक फोर्स क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फोर्स होता है मस्कुलर फोर्स मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड वेन मसल्स आर यूज टू पुश पुल ट्विस्ट लिफ्ट और स्ट्रेच एन ऑब्जेक्ट मस्कुलर फोर्स को फोर्स कब अप्लाई होता है जब हम मसल्स का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को पुश पुल ट्विस्ट लिफ्ट करने में या स्ट्रेच करने में लाइक like अगर आप एक बकेट जो फिल ऑफ फुल ऑफ वाटर है उसको अगर आप लिफ्ट करते हो डैट मीन्स यू आर यूजिंग योर मस्कुलर फोर्स मसल्स को यूज़ कर रहे हो वैन यू लिफ्ट अ बकेट फ्रॉम द फ्लोर द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी इज नोन एज मस्कुलर फोर्स जब आप बकेट को लिफ्ट कर रहे हो फ्लोर से जो फ्लो जो फोर्स उस मौके पे एग्जर्ट हो रही है लगा रहे हैं हम बाय द मसल्स ऑफ अ बॉडी उसे मस्कुलर फोर्स बोला जाता है और नेक्स्ट टॉपिक इज बॉइंट फोर्स बॉइंट फोर्स इज एन अपवर्ट फोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सराउंडिंग गैस और लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट और राइज अप जो बॉयंट फोर्स होता है दैट इज बॉयट मीन्स फ्लोट बॉइंट फोर्स जो होता है ये एक अपवर्ड फोर्स है जो अपसाइड लगेगा जो प्रोड्यूस कौन करता है जो हमारे सराउंडिंग में गैस या लिक्विड हो सी जैसे कि ये शिप है तो जो ये वाटर है ये बॉयंट फोर्स को प्रोड्यूस कर रहा है ऑन एन ऑब्जेक्ट किस पे इस ऑब्जेक्ट पे इनेबलिंग द ऑब्जेक्ट जिससे क्या होगा ये ऑब्जेक्ट को अलाउ कर रहा है टू फ्लोट वाटर के ऊपर फ्लोट करने के लिए या फिर टू राइज अप द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉयन्ड फोर्स इज बोट्स एंड शिप्स सेलिंग इन द सी जो बोट्स और शिप्स होते हैं जो सी में सेल करते हैं दोज आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉयड फोर्स ओके स्टूडेंट्स नाउ लेट इस रीड अबाउट एनर्जी एनर्जी इज डिफाइंड एज द अबिलिटी टू डू वर्क एनर्जी जो है इसे क्या डिफाइन करते हैं हम कि कोई भी हमारी अबिलिटी वर्क को करने के लिए देअर इज़ एनर्जी ऑल अराउंड अस हमारे सराउंडिंग में है हमारे अराउंड एनर्जी है एंड इन ऑल ऑब्जेक्ट्स और सभी ऑब्जेक्ट्स में एनर्जी कैन बी फाउंड इन मैनी फॉर्म्स अराउंड अस जो एनर्जी है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे अराउंड डिफरेंट फॉर्म्स में नाउ लेटे स्टडी मकैनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाई बॉडीज मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो डिफरेंट बॉडीज़ अकवायर करती है ड्यू टू देयर मोशन और पोजिशन जो अपनी मोशन या फिर पोजिशन के कारण जो भी बॉडी एनर्जी अकवायर करती है डाटा इज मैकेनिकल एनर्जी नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम्स फ्राम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से आती है एंड इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस एट होम्स ऑफिस इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन और ये कहाँ पे यूज़ होती है किन चीज़ों को रन करने के लिए इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस जो हम होम में ऑफिसज या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स प्लग सॉकेट्स एंड स्विचेस एट आर होम अलाउ अस टू यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे होम में जो इलेक्ट्रिक वायर्स है प्लग सॉकेट्स हैं स्विचेस हैं ये सभी अलाउ करती है हमें कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करें नाउ हीट एनर्जी द मेजर सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ इज सन ये हम सभी को पता है कि मेजर सोर्स ऑफ हीट कौन सा होता है सन होता है बिसाइड्स दिस हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज इसके अलावा जो हीट एनर्जी है उसे रिलीज भी किया जाता है वेन वी बर्न फ्यूल्स लाइक वुड कोल पेट्रोल और फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर और ये कैसे प्रोड्यूस होती है या रिलीज होती है जब हम फ्यूल लाइक वुड कोल पेट्रोल को यूज़ करते हैं या फिर कोई भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक हीटर को यूज़ करते हैं तो भी क्या होता है हीट एनर्जी रिलीज़ होती है लाइट एनर्जी लाइट और ल्यूमिनियस एनर्जी इज़ द एनर्जी विच इनेबल अस टू सी थिंग्स जो लाइट या ल्यूमिनियस एनर्जी है ये वो एनर्जी होती है जो हमें अलाउ करती है कि हम डिफरेंट थिंग्स को देखें

विंड एनर्जी विंड एनर्जी क्या होता है द विंड एनर्जी इज़ ओपटेन फ्राम मूविंग एयर और विंड जो विंड एनर्जी है ये हम कैसे ओपटेन करते हैं जब एयर या विंड मूव करता है विंड एनर्जी इज़ मेनली यूज टू जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग विंड मिल्स जो विंड एनर्जी है ये मेनली यूज होती है किस परपज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बाय इंस्टॉलिंग विंडमिल्स की विंडमिल्स को इंस्टॉल किया जाता है सोलो एनर्जी सोलो एनर्जी क्या है द एनर्जी फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी है दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी इज द मोस्ट रेडीली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सोलर एनर्जी है ये क्या है ये रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इट ऑल्सो सपोर्ट्स लाइफ ऑन द अर्थ और ये लाइफ ऑन अर्थ को सपोर्ट करती है दिस एनर्जी इज यूज इन सोलर कुकर एंड सोलर सेल्स और इस एनर्जी का यूज़ किस में होता है सोलर कुकर एंड सोलर सेल्स सी है दिस इज सोलर कुकर हाइड्रो एनर्जी वाट इज हाइड्रो एनर्जी हाइड्रो एनर्जी इज़ द एनर्जी ओब्टेन फ्रॉम वाटर जो हाइड्रो एनर्जी है वह वो एनर्जी होती है जो हम वाटर से ओब्टेन करते हैं या एक्वायर करते हैं अर्लियर पीपल यूज वाटर मिल्स टू ग्राइंड ग्रेन्स पहले लोग क्या करते थे वाटर मिल्स को यूज़ करते थे ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए इट यूज द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर टू मूव अ पैडल व्हील और ये किसके एनर्जी को यूज़ करते थे रनिंग वाटर की एनर्जी को यूज़ करते थे और जिसके थ्रू एक पैडल व्हील मूव होता था डैट वुल ग्राइंड द ग्रेन्स और जब वो पैडल व्हील मूव होता था तो उससे क्या होता था जो ग्रेन्स थे वो ग्राइंड हो जाते थे नाउ इट इज़ ऑल्सो बींग यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और ये जो प्रोसेस है अभी से यूज़ किया जाता है किस लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो एनर्जी है वो अवेलेबल होती है किस फॉर्म में रिन्यूएबल में भी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म में भी रीन्यूएबल एनर्जी इज़ द एनर्जी डैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन रीन्यूएबल का मीनिंग क्या होता है स्टार्ट अगेन या री इस्टब्लिश और ये वो एनर्जी होती है जिसे हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं एंड इस ओप्टेन्ड फ्राम रीनूएबल सोर्सेज और ये कहाँ से ओपटेन एक्वायर होती है फ्राम रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सन विंड एंड वाटर दीज एनर्जी रिसोर्स डो नॉट रन आउट एंड देयर फो प्रोवाइड अस विद एनर्जी फॉर अ लॉन्ग टाइम ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये कभी भी रन आउट डेट मीन्स कभी भी खत्म नहीं होती एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हमें लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज द एनर्जी विच कैनॉट बी यूज अगेन एंड अगेन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है डैट मीन्स ये दोबारा से रि एस्टैब्लिश नहीं हो सकती और इसे हम अगेन एंड अगेन यूज़ भी नहीं कर सकते बिकॉज़ ये जो सोर्सेज हैं ये लिमिटेड होते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड देयर फॉर्मेशन टेक मिलियंस ऑफ ईयर जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं और इनको फॉर्म करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द एनर्जी वी गेट फ्रॉम कोल एंड पेट्रोल इज़ नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी हमें कोल या पेट्रोल से मिलता है वो नॉन रिन्यूएबल होता है सिंस दिस सोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज ये सोर्सेज लिमिटेड होती है दे मे बिकम एक्सटिंक्ट सून एज़ वी नो कि ये जो सोर्सेज हैं ये लिमिटेड है तो ये जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकती है इट इज़ देअ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जुडिशली और इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो ये सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी है इन्हें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए ओके स्टूडेंट्स सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस विंड सोलर हाइड्रो जियोथर्मल बायोमास ये क्या है ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं दिस वॉज ऑल अबाउट आर टॉपिक एनर्जी रीड इट प्रॉपरली ओके स्टूडेंट्स थैंक यू एंड गुड बाय